तो है गाइस, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो गाइस आज आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, मैं आप लोगों का सिखाऊंगा किस तरीके से आपका जो फोटो है ना वो आपको प्रॉपरली आपको DSLR जैसा बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। तो आप कैसे करोगे वो आप लोगों को बताऊँगा। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा मैं आप लोगों को वीडियो का एंड में बताऊँगा। कैसे डाउनलोड करोगे तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो ये आप लोगों को फ्री नहीं मिलेगा। तो ये आप लोगों को कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक पार्ट भी आप लोगों को मिस करोगे तो कुछ इस प्रकार का वीडियो फोटो जो है ना एडिटिंग आप नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। लेने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप लोगों को परमिशन वगैरह देकर कुछ इस प्रकार का आप लोगों को इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, उस फोटो को जिस फोटो से आप यहाँ पर आपको एडिटिंग करना है उस फोटो को यहाँ पर आप लोगों को ले लेना होगा। तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ से सिलेक्ट करोगे, इस जो लाइब्रेरी है इसको ऊपर क्लिक करना होगा। जो आप लोगों का गैलरी है ना वो आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि साथियों अभी देख ही सकते हैं यहाँ पर जो मैं फोटो है ना इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ इसको एडजस्टमेंट पर। इसमें कौन कौन फीचर है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। जो आप लोगों को एडिटिंग से आप करते हो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही आप लोगों को फीचर देखने को मिलेगा। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार का आपका जो फोटो का जो बैकग्राउंड है वो आप लोगों को ब्लर कर सकते हैं प्रॉपरली इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। तो चलिए, तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फास्ट में ऑप्शन बहुत सारा है, जब मैजिक टूल है नहीं तो आप बहुत सारा यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टूल का ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऑटो एडजस्ट है, एडजस्टमेंट पर चले जाइएगा। एडजस्टमेंट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको इरेजर कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट पर एडजस्ट कर लेता हूँ। जो इसको कंट्रास्ट है थोड़ा सा मैं हल्का सा बढ़ा लेता हूँ। जो इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इरेजर पर क्लिक करना होगा। जिस भी पार्ट को आप यहाँ पर इरेज कर सकते हैं करना चाहते हैं तो इस पर आपको इस तरीके से ब्रश से इस तरीके से आप करोगे। तो यहाँ पर जो है ना जो भी आप लोगों को एडिट किए थे यहाँ पर जो आप लोग को यहाँ पर लगा था वो आप लोग के यहाँ पर इरेज हो जाएगा। तो इसको होने के बाद इसको अभी ओके कर दीजिएगा। हाईलाइट पर चला जाता हूँ, इसको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लेता हूँ मैं कुछ इस प्रकार का। लेने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर शेडो को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ब्राइटनेस को थोड़ा सा इस तरीके से कम कर लीजिएगा, जितने आपको आपका फोटो के हिसाब से आप यहाँ पर कर लीजिएगा। लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, तो आप देखिएगा बहुत सारा अभी फिल्टर है यहाँ पर। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को जो फिल्टर है ना, फिल्टर के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो नेट है ना इसको ओपन कर लेना होगा। तो मैं नेट को यहाँ पर जो इंटरनेट है इसको कनेक्शन होना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों को एक भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको मेकअप कर सकते हैं, बहुत सारा मेकअप यहाँ पर टूल दिखाई देगा। इसको डाउनलोड करके आप मेकअप भी यहाँ पर अभी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा जो बहुत आप लोगों को यहाँ पर लिप्स का यहाँ पर ई कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। जो लिप्स है इसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसको लिप्स को आपको स्मूथ भी कर सकते हैं, आपको फेस का स्मूथ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को उस नहीं बताऊंगा, तो मैं आप लोगों को मेरा जो टॉपिक है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं फ़ोटो कैसे आप यहाँ पर बैकग्राउंड आपको यहाँ पर ब्लर कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना होगा, तो आपको फ़ोटो को बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए अभी आपको जो यहाँ पर है जो बोकेन जो है ना इसको ऊपर अब यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिकली आपको जो बैकग्राउंड है ना वो आप लोगों को ब्लर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आप लोगों को बैकग्राउंड यहाँ पर
यहाँ पर ब्लर हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसको एडजस्टमेंट पर आपको कर लेना होगा। जितने आप यहाँ पर ब्लर कर से करना चाहते हैं आपका जो बैकग्राउंड है कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर आपको ब्लर कर लेना होगा। तो लेने के बाद अभी देख सकते हैं, तो यहाँ पर पैरों का ऊपर यहाँ पर बहुत सारा ब्लर हो चुका है। तो यहाँ पर आपको मैं फीचर दिखाता हूँ, तो अभी देख सकते हैं इसके ऊपर आपको सेकंड पे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे करोगे तो कुछ इसका जो बैकग्राउंड का जो पीछे का जो ये है ना, ये आप लोग को बबल का तरफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से हो गया है जो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। फिर मैं आप लोगों को तीसरे पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर फीचर दिखाई देगा। तो देख सकते हैं आपको जो अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हैं, वन क्लिक में ही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को एडिटिंग नहीं करना है, तो इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करोगे वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर तीसरी पर है हार्ट, इसको ऊपर क्लिक करोगे तो पीछे जो है ना आपको बैकग्राउंड जो ब्लर होगा वो आपको लाफ लाफ दिखाई देगा। तो ये भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला फिर कर लेता हूँ, राउंड पर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर कम कर लेता हूँ ब्लर को, मेरे को इतना ही अच्छा लगता है। तो मैं कुछ इस इतने ही रखता हूँ। फिर इरेजर पर क्लिक करता हूँ। इरेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जो पैरों पर यहाँ पर ब्लर हो गया है ना, इस पर मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ से हटा लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने में और भी अच्छा लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ से आप लोगों को ओके कर दीजिएगा। देने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, इसको इस तरीके से आपको सेव करना होगा। सेव करने से आपको क्या होगा, गैलरी में आ जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का अभी वन क्लिक में ही इस फोटो को अभी बैकग्राउंड जो है ना वो आप लोगों को ब्लर करके मैं दिखाया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो से, तब तक जय हिंद जय भारत। इसको अभी एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करोगे ये आप लोगों को मैं बताता हूँ अभी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मेरे को एक टेलीग्राम चैनल दिखेगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको जो है ना, इसको जो एप्लीकेशन है इसको मैं दे दूंगा वहाँ पर। आप प्ले स्टोर से इसको यार ब्रश जो है डाउनलोड करोगे तो ये आप लोगों को वाटरमार्क दिखाई देगा। वाटरमार्क आपको क्या दिखाई देगा, आप जैसे आपको फोटो एडिटिंग हो जाएगा तो आप जैसे ही सेव करोगे ना, ये फोटो आपको गैलरी में नहीं आएगा। यहाँ पर प्रीमियम वर्जन आपको यहाँ पर मांगेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा इसको, इस एप्लीकेशन को। तो जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।